गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था स्टेट बार काउंसिल, और स्टेट बार काउंसिल के जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि जैसे अटॉर्नी जनरल है, जैसे एडवोकेट जनरल है, तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि ये जब आगे आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे एडवोकेट जनरल हैं जो कि इसके फर्स्ट ऑफिसर है या अटॉर्नी जनरल है, तो ये होते कौन हैं, क्या है, ये हमने आपको ध्यान होगा अपने इस चैप्टर में पढ़ा था अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। तो मैंने कहा था हम आगे इसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती थी कि इनकी हायरार्की क्या होती है। जो हमने पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है, तो इनकी हायरार्की क्या होती है। तो हायरार्की के लिए हम सबसे पहले इसका जो सेक्शन है वो 123 है, उसके अंतर्गत हम करेंगे इसको। तो सेक्शन 123 के उसमें इसका है राइट टू प्री ऑडियंस। तो राइट टू प्री ऑडियंस और ऑफ एडवोकेट्स, इसको अगर हम देखें तो ये है सेक्शन 23 में राइट टू प्री ऑडियंस। तो राइट टू प्री ऑडियंस ऑफ एडवोकेट्स, राइट टू प्री ऑडियंस ऑफ एडवोकेट्स मतलब पूर्व अधिवक्ताओं के पूर्व सुनवाई का अधिकार। अब ये अधिकार जो अधिवक्ताओं को मिलता है पूर्व सुनवाई का, पूर्व सुनवाई का मतलब है कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, अब इसमें अगर किसी केस में कोई हियरिंग है और उसमें अगर कोई प्लीडिंग करना चाहता है तो ए को मिलेगा पहले वो राइट्स, बी को मिलेगा या सी को मिलेगा। तो ये पहली बात तो ये कि ये किस कोर्ट में है उस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके अलावा इनका पद क्या है, उस पद पर निर्भर करेगा कि ये राइट किसको मिलेगा। तो इस ये किसको मिलेगा को हम अभी इस हायरार्की को हम पढ़ेंगे कि ये राइट्स किसको किस सीक्वेंस में मिलते हैं। तो ये राइट टू प्री ऑडियंस ऑफ एडवोकेट सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 में बताया गया है। हालांकि अभी हम पढ़ रहे हैं बार काउंसिल्स, जिसमें सेक्शन 3-15 आएगा। इस सेक्शन 3-15 को समझने के लिए कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पहले ये राइट टू प्री ऑडियंस समझा दूँ। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व सुनने का अधिकार मिलेगा। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये राइट सबसे पहले मिलेगा, किसी भी कोर्ट में वो जाकर के और प्लीड कर सकते हैं, या किसी भी कोर्ट में वो जाकर के अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो उनको सुनवाई का अधिकार सबसे पहले मिलेगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पिछले चैप्टर में था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 76 के तहत तो अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद आता है जिसको सुनवाई का अधिकार मिलता है, वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यहाँ ये भी मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, और इन इसका क्या काम होता है सॉलिसिटर जनरल का, जो हमने आपको ध्यान हो तो जब पढ़ा था कि ही असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, ही असिस्ट द अटॉर्नी जनरल, ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आफ्टर द अटॉर्नी
जनरल, ही इज़ द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आफ्टर अटॉर्नी जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। तो अब आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही होंगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर है कहाँ का, इंडिया का। तो अटॉर्नी जनरल इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल इज ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल के बाद इन्हीं को राइट है कि ये जो है अपने पूर्व सुनवाई का अधिकार इनको है। थर्ड आता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिन्हें की सॉलिसिटर जनरल के बाद सुनवाई का अधिकार है। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बाद आता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो देखा आपने डिफरेंस, एक तो ये तीनों पद जो हैं ऑफ इंडिया हैं और ये ऑफ द स्टेट है। तो ऑफ इंडिया यानी कि अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, ये सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थर्ड लॉ ऑफिसर है, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है, और ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी था कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होते हैं, और ये भी पद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता का पद भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, देन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है डिपेंड करता है ऑन द पॉपुलेशन। एडवोकेट जनरल, नंबर ऑफ एडवोकेट जनरल डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। अगर ज़्यादा है डिपेंडिंग, अगर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, तो देयर कैन बी मोर देन वन एडवोकेट जनरल। ये सब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अब अगर एक से ज़्यादा है, इफ़ मोर देन वन, तब राइट किसको मिलेगा, देन दी राइट टू प्री ऑडियंस, देन दी राइट टू प्री ऑडियंस विल डिपेंड ऑन दी सीनियोरिटी। तो सीनियोरिटी से तब डिटरमाइन किया जाएगा कि किसको पहले प्री ऑडियंस का अधिकार मिले। तो इस एडवोकेट जनरल जो कि जितने नंबर हैं उस पर डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेंगे सीनियोरिटी पे। तो इसके बाद में जो राइट होता है, मैंने आपको जब हम पिछली क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इससे पहले कि डेफिनेशन क्लॉज करें, मैंने आपको बोला था कि एडवोकेट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। तो आफ्टर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये राइट प्री ऑडियंस का मिलता है सीनियर एडवोकेट को, और सीनियर एडवोकेट के बाद यह राइट मिलता है एडवोकेट को। तो ये एक इनकी हायरार्की होती है। और अब अगर हम इसको हायरार्की की फॉर्म में करें, तो एक सेकेंड, इसको अगर हम हायरार्की की फॉर्म में करें तो ये होता है
सबसे पहले अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट टू प्री ऑडियंस, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आफ्टर अटॉर्नी जनरल, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है तो सेकेंड लॉ ऑफिसर कौन है? सॉलिसिटर जनरल। इनके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसका भी नंबर वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक हो, कैन बी वन, कैन बी मोर देन वन ऑल्सो, मोर देन वन ऑल्सो। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बाद आते हैं एडवोकेट जनरल, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट हैं। देन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और अपने पद को तब तक ग्रहण करते हैं जब तक कि गवर्नर का प्लेजर है या गवर्नर के अपनी इच्छा है। तो अपने पद, इनका पद, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑल्सो कंटिन्यूज विद हिज डेजिग्नेशन टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट विद द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, एक सेकेंड, प्रेजिडेंट, सॉरी, अटॉर्नी जनरल, और ये है प्रेजिडेंट एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, और यहाँ ये गवर्नर है। तो यहाँ गवर्नर है, यहाँ ये है आर्टिकल 76 के तहत, और यहाँ है आर्टिकल 165 के तहत। अब एडवोकेट जनरल के बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट, एंड देन कम्स दी अदर एडवोकेट्स। ये है हायरार्की ऑफ दी, हायरार्की इन दी राइट टू प्री ऑडियंस ऑफ एडवोकेट्स। तो ये वो हायरार्की है और ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ये दिस इज़ ऑल एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961। और ये भी आपको पता पड़ गया कि इनमें से ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं, जहाँ पर इनका काम क्या होता है कि सरकार से संबंधित जो विधि मैटर्स होते हैं या जो लॉ मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, उन पे सलाह देना। तो इनका मेन वर्क क्या है, हालांकि हम ये सारा कुछ जो है पिछले अपने क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट अभी आपको सिर्फ एक जस्ट बताने के लिए कि इनका मेन वर्क प्रोफाइल होता है टू असिस्ट, टू रिप्रेजेंट, दी गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू लीगल importance or legal matters। तो ये मेरा मेन पर्पस था आपको ये हायरार्की समझाने का। आई होप आपको ये हायरार्की पूरी समझ आ गई होगी कि किस सीक्वेंस में किसको सबसे पहले पूर्व सुनवाई का अधिकार होता है। अब हम करेंगे कि स्टेट बार काउंसिल, जो कि
जो हमने अभी पढ़ी थी कि सेक्शन 3 के अंतर्गत स्टेट बार काउंसिल का गठन होता है। तो अब ये स्टेट बार काउंसिल जो है इसको स्टेट बार काउंसिल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(1)(m) में, और इस 2(1)(m) के में इसको जब डिफाइन किया गया है तो बताया गया है कि सेक्शन 3 के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद के अंतर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद का गठन होता है। तो ये एक इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात है जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। नेक्स्ट है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि राज्य विधिज्ञ परिषद को में कौन कितने एडवोकेट्स होते हैं, क्या मेथड ऑफ इलेक्शन होता है, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या कमिटीज़ बनती है, तो ये सारा एक लंबा टॉपिक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अब डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे और सेक्शन आप इसमें पढ़ेंगे 6 में आप फंक्शंस पढ़ेंगे, बाद में आप इसमें सेक्शन 8, 8A और आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है आपको मैंने शुरू में बताया था, स्टेट बार काउंसिल जब आप पढ़ेंगे तो इसके साथ अगर आपके लिए लिखा हुआ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या गठन, इसका गठन कंस्टिट्यूट ये किस किस से होती है या इस इसमें क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो आप कंस्टिट्यूशन में एक धारा 3 डालेंगे। इसके बाद में आप ये भी डाल सकते हैं धारा 5 और 7, 8 डालेंगे, 8A डालेंगे। हम पढ़ेंगे 6, 7, 7A भी, 4 भी, 4 तो खैर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है तो हम 6 और 7, 7A भी पढ़ेंगे। लेकिन जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो उसमें आप एक एक कंटिन्यूटी में आप इन धाराओं को पहले समझाएंगे फिर बाद में आप उनको बताएंगे। तो हम अभी पढ़ेंगे भी उसी कंटिन्यूटी में कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन जो कि धारा 3, 8, 8A और आगे भी हैं इसमें 9, 10 इस तरह से 11, 12, यानी धारा 3 से लेकर के धारा 15 तक जो है ये है आपकी बार काउंसिल्स। बार काउंसिल्स में 3, 9, 9 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी, कमिटीज अदर देन डिसिप्लिनरी कमिटी, ट्रांजेक्शन कैसे होता है बिजनेस का, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, फिर है कि स्टाफ बार काउंसिल के स्टाफ कौन होते हैं, अकाउंट्स और ऑडिट क्या होता है, वैकेंसीज का बात क्यों क्रिएट हो जाती हैं, इलेक्शंस जो होते हैं उनको किन आधार पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, पावर टू मेक रूल्स क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट बार काउंसिल्स के, ये सारे हम अभी करेंगे और सीक्वेंस वाइज। तो अब है कि धारा 3, धारा 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धारा 3 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, धारा 3, 1, 2 और 3। तो धारा 3(1) क्या कहती है, धारा 3(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधिज्ञ परिषद होगी जो उस राज्य के विधिज्ञ परिषद के नाम से जानी जाएगी। तो हर स्टेट के पास, एवरी स्टेट शेल हैव अ बार काउंसिल विच विल बी नोन विद द नेम ऑफ द स्टेट। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान स्टेट बार काउंसिल, राजस्थान स्टेट बार काउंसिल। अब धारा 3(2) क्या कहती है, धारा 3(2) कहती है
कि राज्य विधिज्ञ परिषद किन सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्य विधिज्ञ परिषद जो है ये स्टेट बार काउंसिल है, इसमें कौन सदस्य होंगे कौन नहीं होंगे, इनकी गणना कैसे होगी, तो वो उसके बारे में आपको बताती है। तो इसमें एक होगा आपका, इसको अगर हमें समझना है तो हम यूँ डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्टोरल नंबर एंड नंबर सॉरी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इलेक्टोरल नंबर अगर 5000 है, इलेक्टोरल नंबर मतलब नंबर ऑफ एडवोकेट्स जो कि काउंसिल में हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो इलेक्टोरल नंबर अगर 5000 है, एक ऐसी जगह है या एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक ऐसी सिटी है जहां इलेक्टोरल नंबर स्टेट में उसमें 5000 हैं, 5000 अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें नंबर ऑफ सदस्य कितने होंगे, कितने सदस्यों की संख्या होगी उस राज्य विधिज्ञ परिषद में, उसमें होगी 15 सदस्यों की संख्या। अब जिसमें इलेक्टोरल नंबर 5000 से ज़्यादा है और 10000 से कम है, यानी 5000 से तो ज़्यादा है और 10000 से ये कम है इलेक्टोरल नंबर या नंबर ऑफ़ एडवोकेट्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो उस स्टेट में नंबर ऑफ मेंबर्स इन दैट स्टेट बार काउंसिल, ये इलेक्टोरल नंबर ये दोनों ही स्टेट बार काउंसिल में बोलेंगे, इनको कंसिडर किया जाएगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट बार काउंसिल एंड इलेक्टोरल नंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसी स्टेट बार काउंसिल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स 5000 to 10000 की रेंज में है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो इलेक्ट होंगे वो होंगे 20, और उस स्टेट में जहाँ इलेक्टोरल नंबर मोर देन 10000 है वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 25। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ पर जो इलेक्शंस जो सदस्य, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक पद पर यदि कोई व्यक्ति है तो वो दूसरे पद पर नहीं हो सकता है, दो पद पर भी एक ही व्यक्ति एग्जिस्ट कर सकता है। ए जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर है तो वही एनरोलमेंट कमेटी का भी मेंबर हो सकता है। तो पद एक व्यक्ति के लिए एक ही पद है ऐसा नहीं है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ये आपके याद रखने की चीज़ है, और एग्ज़ाम में भी इसमें इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही शॉर्ट यानी कि दो नंबर वाला क्वेश्चन, तो दो नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो। मेथड ऑफ इलेक्शन, अब मेथड ऑफ इलेक्शन जो होता है इसमें स्टेट बार काउंसिल में, मेथड ऑफ इलेक्शन जो है स्टेट बार काउंसिल में वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड ऑन द दूसरा इसी के साथ आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये मेथड, ये ही मेथड जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भी काम आते हैं, क्योंकि और इनकी मेन यूटिलिटी ये है कि किसी जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे महाराष्ट्र है, और कहीं की पॉपुलेशन बहुत कम है जैसे कि मिजोरम है, मेघालय है, तो यहाँ की कम है, तो उनकी जो वोटर वैल्यू है उसको हम बिल्कुल बैलेंस और इक्वल तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उस वोटर वैल्यू को हमको किसी हद तक बराबर ला सकें, तो उसके लिए ये मेथड ऑफ वोटिंग यूज़ करी जाती है। वो तब होती है जब हमको बार काउंसिल में, जब हर स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं और हर स्टेट बार काउंसिल को अपना रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उस वक्त पे ये मेथड यूज़ किया जाता है, या फिर स्टेट बार काउंसिल में भी जितने मेंबर्स हैं उनको जब रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि एक एक बैलेंस
कुछ हद तक एक बैलेंस बन करके रह सके। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व एंड दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये इलेक्शंस करे जाते हैं, स्टेट बार काउंसिल हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जिससे कि एक एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सके हर स्टेट का, जैसा कि ये नाम अपने आप ही बताता है। अब ये है कि एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक ये तो मेथड ऑफ इलेक्शन इम्पॉर्टेंट ही था, और इसके साथ तो एक तो ये मैं आपको चाहूँगी कि मैं आपको हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको याद रहे कि मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, ये हिंदी में इंग्लिश में। हाँ, अब है कि जो ऊपर ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, इसमें से जहाँ तक वो कोशिश करी जाती है कि पॉसिबली वन हाफ, मतलब आधे के निकट सदस्य ऐसे व्यक्ति हों जो राज्य नामावली में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, तो इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो सदस्य इसको रिप्रेजेंट करेंगे उनके पास प्रैक्टिस का टाइम कितना हो, कम से कम 10 वर्ष का, तो 10 ईयर्स ऑफ आधे, यथासंभव आधे, पॉसिबली वन हाफ, तो यानी जैसे 15 है तो 7 के करीब तो ऐसे होने चाहिए, 20 है तो 10 के करीब ऐसे होने चाहिए, जिनको कि एक्सपीरियंस 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। ये ज़रूरी है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि दिल्ली में इन द स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली दी हेड और दी चेयरमैन और दी फर्स्ट ऑफिसर देयर इज दी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, व्हाइल इन अदर स्टेट्स दी फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज दी एडवोकेट जनरल। ठीक, तो ये एडवोकेट जनरल जो है, और दूसरी स्टेट्स में जब भी हम बोलेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है तो एडवोकेट जनरल है, लेकिन अगर वहीं पे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की बात आती है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज दी लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की चीज़ है। अब है कि ये एडवोकेट जनरल जो होता है ये एक एक्स ऑफिशियो पद को ग्रहण करता है। अब एक्स ऑफिशियो पद को ग्रहण करने का क्या मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो, एक सेकंड मैं यहाँ लिख दूँ, सॉरी, एक्स ऑफिशियो, तो एक्स ऑफिशियो का अर्थ होता है, एक्स ऑफिशियो का अर्थ है कि होल्डिंग अ पोजीशन और मेंबरशिप ड्यू टू द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ वंस ऑफिस, यानी वो जिस ऑफिस को या जिस पद को वो अभी ग्रहण करे हुए है उसके इन्फ्लुएंस में या उस पद पर रहते हुए वह दूसरे पद को भी ग्रहण कर सकता है। तो एक्स ऑफिशियो है कि एक पद पर रहते हुए दूसरे पद को भी ग्रहण कर सकता है उसके प्रभाव से। तो ये एडवोकेट जनरल जो है उस राज्य का पदेन सदस्य होता है, इसको हिंदी में कहते हैं
पदेन सदस्य होता है। अब है सेक्शन 3.3 जो कि बताता है कि स्टेट बार काउंसिल या राज्य विधिज्ञ परिषद, तो स्टेट बार काउंसिल या राज्य विधिज्ञ परिषद में सदस्य कौन कौन हुए या कौन इसके इसके मेन जो तीन पोजीशन होल्ड करते हैं और इन निर्वाचित करे गए सदस्य होते हैं, उनमें से सबसे पहले तो हैं एडवोकेट जनरल, दूसरा है चेयरमैन और तीसरा है वाइस चेयरमैन, ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष। और ये जो इनके इन काउंसिल में जो विहित नीति है, विहित रीति से प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस से इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये है धारा 3.3। तो ये तीन है एडवोकेट जनरल, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि ये पदेन पद को ग्रहण करते हैं, और एडवोकेट जनरल जो होता है यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, और इनका जो इलेक्शन होता है वो विहित रीति से किया जाता है। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा, आई थिंक 3.1, 3.2 और 3.3। 3.3 में बताया गया है कि ये तीन होते हैं, 3.2 में बताया गया है कि इलेक्टोरल नंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स के होते हैं, 3.1 में कि हर स्टेट की अपनी एक बार काउंसिल होती है। तो ये आज का जो हमने पढ़ा समराइज्ड फॉर्म में, ये आर्टिकल सॉरी सेक्शन 3 हमने पढ़ा है। अब हमें सेक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरी कोई भी चीज़, कोई लैंग्वेज या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक, और